आपने एक फिल्म बनाई थी एक लैला तीन छैला लोग कह रहे हैं कि बिहार की अभी यही स्थिति है बिहार का वोटर है सब उसको लैला की तरह मान रहे हैं और छैला की जगह वो लोग कह रहे हैं छलिया कि सब छलते हैं हमको एक उन्होंने कहा कि एनडीए का गठबंधन दूसरा यूपीए का गठबंधन और तीसरा वो जो इलेक्टोरल टैली में दिखता है अन्य अब अन्य में भी कई हो गए हैं एक रालोसपा का मोर्चा है जिस मोर्चे से आप बातचीत कर रहे थे कि डेप्टी सीएम बनाइए ऐसा बताया गया आएंगे अभी उसमें एक मोर्चा पप्पू यादव का मोर्चा है तो ये एक लेला तीन छैला वाला क्या चक्कर है देखिए सब इंटरेस्ट रखते हैं कि बिहार में बारह करोड़ का जनता है युवा है सब के लिए सेवा करने के लिए राजनीति मानने के लिए और सब अपने विचार के साथ लोगों को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे हर पॉलिटिकल पार्टी का ये सोच होगा आपका उपेंद्र कुशवाहा के साथ बातचीत चल रहा था हमेशा रहा पप्पू यादव के साथ रहा बातचीत पप्पू यादव का ये कहना है लल्लन को दिए इंटरव्यू में कि उपेंद्र कुशवाहा आए बोले आप लड़िए हम लड़िए और सीएम आधा आधा साल ढाई ढाई साल सीएम बोले फिर कुछ दिनों बाद उपेंद्र कुशवाहा आए बोले आप रहने दीजिए ढाई साल उपेंद्र कुशवाहा सीएम ढाई साल मुकेश सैनी सीएम ऐसी कोई फॉर्मूले पे बात हो रही थी बात करने के लिए कर रहे थे लेकिन ठोस ऐसा कोई बात नहीं हुआ हाँ उन लोगों ने ऑफर किया ढाई साल का सीएम का किसने ऑफर किया शायद उपेंद्र जी शायद बोले होंगे याद नहीं मुझे अरे आपको मुख्यमंत्री का पद ऑफर हो रहा है आप कह रहे हैं याद नहीं है अरे मुझे पता था कि मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है अच्छा हवा हवाई में चल रहा है तो मुख्यमंत्री वहां तो बनना नहीं है और मुझे उतना भी अनुभव नहीं की मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनू मुझे तो डिप्टी सीएम की लेकिन आपकी दावेदारी थी डिप्टी सीएम पहली बार विधायक बनते हैं हाँ पहली बार विधायक बनते और डिप्टी सीएम के लिए मैं प्रिपेयर था कि मैं एक काम कर सकता हूँ मुझे कि बन सकते हैं पहली बार में तो हम क्यों नहीं बन सकते हाँ कह सकते हैं और मैं हाँ। पार्टी के अंदर में बहुत सारे लीडर होते हैं उनके राय विचार लेके करेंगे और जवाबदेही राष्ट्रीय जनता दिल हैं और हमें तो सेकंड मैन में, में ही हमें काम करना है फर्स्ट तो किसी को बनाएंगे नहीं या देंगे हुँ। नहीं हुँ। ये राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास है तो हम लोग तो कई बार बोले कि भाई सी बदलना चाहिए कांग्रेस पार्टी से हो या आप के पार्टी से हो तो बेहतर कौन हो सकता था बहुत सारे है उसपे हम क्या राष्ट्रीय बोले ना कि हमने कहा बदलना चाहिए बहुत सारे लोग मैंने मीरा कुमार का नाम दिया हाँ। कि कांग्रेस पार्टी से उनको और कांग्रेस काफी गंभीरता से कुछ समय तक इस नाम पर विचार भी, भी कर रही थी नाम पहले लॉन्च है अच्छा प्रशांत किशोर जी से भी अगर आप बात करेंगे तो पहला नाम मेरा ही सुझाव था कि मीरा कुमार जी का होना चाहिए और एक आ, उनको पर मीरा कुमार जी के लिए कई लोग कहते हैं कि वो तो दिल्ली ब्रांड की नेता है ब्यूरोक्रेट रही बाबू जगजीवन राम की बेटी है तो एक लेगेसी थी लेकिन बिहार के हर जिले में उनका प्रभाव हो उनका डायरेक्ट कार्डर कुछ हो इन्फ्लुएंस हो वैसा नहीं था देखिए ये किसी का संपत्ति नहीं है कि हाँ। हमारे पास ही रहना चाहिए ये मेरे पास ही रहना चाहिए ये बिहार का सीएम बनना या डिप्टी सीएम बनना किसी का संपत्ति नहीं है बिहार के जनता के लिए काम करना है ठीक है और मैं जिस हिसाब से मैं उनके बारे में जानता था जितना भी जाना कि वो बिहार को बेहतर लीड कर सकते थे तो मेरे से अगर नाम पूछा गया तो मैंने अपना सुझाव दिया और किसका नाम चल रहा था मेरे तरफ से वहाँ पे दिए उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल में बहुत सारे लीडर हैं तो उस उसमें बात होना चाहिए था मतलब कौन लीडर है तो परिवार में ही बहुत सारे लीडर हैं परिवार परिवार में तो मुझे क्लियर था कि तेजस्वी यादव जी को ही क्लियर करेंगे अच्छा। उसके अलावा परिवार के बाहर अगर जाते हैं तो हम चाह रहे थे कि पार्टी में अपना वो निर्णय ले मैं अच्छा। अपना निर्णय क्यों ठो निर्णय से याद आया जैसे जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुस्से में निकले तो फिर तेजस्वी ने आपको फोन नहीं किया जी नहीं

नेटवर्क सही नहीं रहने के बाद अलावा मतलब बहुत ज्यादा नेटवर्क तो तो वैसे ही गड़बड़ हो गया है तो। मैं उस समय काफी बिजी था था हाँ। जब भी उनका फोन आया, फोन आया के पास मैंने था, पूरे प्रदेश से फोन आ रहा था क्या हो गया क्यों हो गया तो उतने में मदन मोहन जी का भी फोन आया हाँ। और मेरा ज्यादा उनसे बातचीत नहीं हुआ बात हुआ कि करेंगे फोन उसके बाद समय नहीं मिल पाया और उसके बाद हम अपने दूसरे प्लॉटिंग पे निकल गए और इसमें जितना गलती तेजस्वी प्रसाद यादव का या राष्ट्रीय जनता दल का उससे कई गुना ज्यादा हम मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का भी है क्योंकि मैं जिनके लिए मैं इतना पैरवी कर रहा था जिनके जिन... लिए आप लड़ रहे थे मैं लड़ रहा था लेकिन वो हमारे लिए नहीं लड़े, नहीं लड़े। मैं दो रोज पहले तक मैं दिल्ली जाता हूँ जब मुझे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी को गठबंधन से बाहर निकाला जा रहा है तो मुझे पटना के एक बड़े पत्रकार एक चैनल है कि उन्होंने बोला कि नेताजी ये अभी गठबंधन तुम ही संभाल पाओगे तुम इसमें कुछ करो दिल्ली जाके किससे से मिले तो मैं दिल्ली यहाँ से मैं भागता हूँ और मैं शक्ति सिंह गोहिल जी से मिलता हूँ उनसे बात शक्ति सिंह गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता हैं हैं और बिहार के प्रभारी उनसे बात रखता हूं कि सर दो चार सीट इधर उधर करके आप लोग कीजिए और गठबंधन तोड़ना अच्छा शक्ति नहीं शक्ति सिंह गोहल ने आपको बताया नहीं कि सीट तो इधर उधर हो रहा है लेकिन आप ही का हो रहा है हाँ तो नहीं मुझे ये नहीं बताया तो मैं बोला की जरूरी गिरे तो दो चार सीट हमसे ले लीजिए लेकिन गठबंधन नहीं तोड़िए और साथ हम लोग चलेंगे तो उन्होंने बोला नहीं मुकेश भाई आप मत लो जो भी होगा बात होगा आप कुछ भी निर्णय मत लो और आ, मेरे साथ रहो और ऐसा होगा तो हम लोग अलग गठबंधन बनाएंगे दो दिन पहले की बात है फिर मैं पटना आता हूँ और मैं एयरपोर्ट पे ही मैं बैठ देता हूँ कि अगर जरूरी गिरे हमारे सहयोगी को तो दो चार सीट हम अपने में से दे सकते हैं लेकिन ये गठबंधन अटूट रहेगा मैं देता हूँ और फिर मैं पटना में रहता हूँ तो लोकसभा के समय में भी ग्यारह सीट फाइनल करने के बाद नौ सीट किया जाता है कांग्रेस पार्टी का और उस समय में भी तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पार्टी को हमारे सामने में उपेंद्र जी के सामने में कह देते हैं कि आप अकेले से पूरा बिहार में चुनाव लड़ जाइए आ, ये आपने ठीक जिक्र किया क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था हाँ। कि आपके गठबंधन में तो उपेंद्र कुशवाहा भी थे वो ऐसे जब बेआबरू होके होकर कूचे से निकले तब आपने नहीं कहा कि नहीं ये गलत हो रहा है इनके साथ आप लोगों को ये नहीं लगा कि आज इनके साथ हो रहा है कल हमारे साथ हो सकता है मैंने, मैंने पहल किया तेजस्वी को बोला कि ये अच्छी बात नहीं है गठबंधन से हमारे साथ ही जा रहे हैं मांझी जी के समय में भी मैंने कहा और बिहार में माझी जी उपेंद्र कुशवाहा जी और मैं हम लोग हमेशा सा साथ में रहे दिल्ली तक जा कोरोना से पहले मार्च में हम लेकिन हाँ अब आप लोग बट गए उपेंद्र जी अलग मोर्चा बना रहे हैं मांझी जी जेडीयू में चले गए सबका अपना अपना पार्टी है सबका अपना अपना निर्णय है लेकिन हम जब थे तब तक हम लोग साथ रहे मतलब संबंध अभी भी है अभी बहुत दिन से बातचीत नहीं हुआ जब बात फिर जुटेंगे बातचीत तभी जब हम एनडीए में हैं और अभी अगला भी बहुत बिजी है मैं भी काफ़ी बिजी हूँ तो बातचीत तो अगर सब नहीं हुआ अच्छा।